नमस्कार आप सभी को। आज का अपना टॉपिक माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझना है। देखिए, रेस्पिरेशन के अंदर हम बात करें तो हमने कार्बोहाइड्रेट को जब ऑक्सीडाइज किया है तो एक तो हमने ग्लाइकोलाइसिस पूरा किया है। ग्लाइकोलाइसिस में हमें पायरुविक एसिड मिल जाता है और बाद में हम पायरुविक एसिड को एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कराते हैं और एसिटिल को एंजाइम ए टीसीए में पार्टिसिपेट करता है और फाइनली एसिटिल को एंजाइम ए के जो दो कार्बन होते हैं वो CO2 के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो जाते हैं। देखो, जब हम ग्लूकोज से लेके CO2 तक पहुंचते हैं तो पहला जो स्टेप आता है वो ग्लाइकोलाइसिस है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था। तो वहाँ पे NADH2 बनते हैं, क्योंकि जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वहाँ पे दो मॉलिक्यूल NADH2 के बनते हैं। जैसे अपन गेटवे पे जाते हैं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज भी हमें NADH बना के देता है। सिंपली अगर हम TCA की बात करेंगे तो TCA के अंदर भी NADH भी बनते हैं और FADH2 भी बनता है। तो दो बातें होती हैं, एक तो जैसे हमें ATP मिल जाता है, GTP मिल जाता है, तो रिएक्शन जो पाथवे हमारा ऑपरेट हो रहा है उसी समय पे ATP GTP बनते हैं, वो तो कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो वहाँ एज ए एनर्जी ATP बनती है। लेकिन जो NADH बनते हैं, FADH2 बनते हैं, इनमें भी एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, यानी कि ये एनर्जी मॉलिक्यूल ही होते हैं, क्योंकि जब हम NADH की बात करते हैं तो NAD+ के साथ में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ये NADH दो इलेक्ट्रॉन अपने इसमें जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ऐसे FADH2 बनता है तो FAD है, उसके साथ में H+ दो H+ भी जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन भी जुड़ते हैं, तो FADH2 बनता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि TCA तक जब हम पहुंचे हैं तो NADH, FADH2 ये भी बने हैं और इनमें भी एनर्जी है। और थर्मोडायनेमिक्स हमें ये समझाती है कि हम एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बना सकते हैं। देखो, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को जो एनर्जी फॉर्म काम में लेनी होती है वो होता है ATP, कि हम इसको एनर्जी करेंसी के रूप में समझते हैं। तो फाइनली NADH में जो भी ऊर्जा है उसको ATP में बदलना होता है, FADH2 में जो भी ऊर्जा है उसको एनर्जी में बदलना होता है, और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है कि इनकी एनर्जी को ATP में बदलने का जो सारा काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की पर्टिकुलरली जो इनर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं वो लगी रहती हैं और वो एक सीरीज में लगी रहती हैं और उन प्रोटीन की सीरीज से एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसको अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी बोलते हैं, क्योंकि सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक बार लेते हैं एक बार देते हैं, तो एक बार उनका रिडक्शन होता है एक बार ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडॉक्स पेयर होता है, यानी कि जो भी प्रोटीन है वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं देती हैं और क्रमबद्ध ये प्रोसेस चलता है। तो एक चैन के रूप में कैरियर की तरह ये प्रोटीन यहाँ पे लगी रहती है। तो एज ए कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्सेज मिलेंगे अपन को यहाँ पे, वो कॉम्प्लेक्सेज इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाते हैं। देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन या तो NADH के हैं या FADH2 के होते हैं। अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि NADH
तो दो जगह पे बने हैं, एक साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस वाले साइटोप्लाज्म में बने हैं, और गेटवे के हैं, टीसीए के हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बने हैं। FADS2 है वो केवल मैट्रिक्स में ही बनता है। तो चाहे साइटोप्लाज्म वाले NADH हो या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले NADH हो या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाला FADS2 हो, इनके इलेक्ट्रॉन को फाइनली ऑक्सीजन के पास पहुंचाना, कि इनके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो NADH वापस ND+ में कन्वर्ट होगा, तो वो वापस से रीयूज होगा। FADS2 है वो FAD में कन्वर्ट होगा, तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम अपने कोफैक्टर्स को फिर दोबारा से काम में ले पाते हैं। तो अल्टीमेटली एक ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल सिस्टम्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहती है, दिस इज सिंपली हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचती है, तो पुलिंग है, क्योंकि हम सिंपल केमिस्ट्री से जानते हैं कि कुछ एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, वो उनकी जो वैलेंसी कंडीशन होती है और जो उनके कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की वेरी हाई नीड होती है, और NADH से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, FADS2 से निकाले जा सकते हैं। तो एक साइड में इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं और एक साइड में इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीजन है, इनके बीच में एक बार लेना एक बार देना ऐसे काम करने वाले कौन है, कैरियर प्रोटीन्स हैं। तो इन सबसे ये सारा सिस्टम बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का ये सारा सिस्टम है जिसको अपन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल ETS क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और उनसे जुड़े हुए कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर रखने हैं, एग्जाम में क्या क्या बातें हैं वो आपको ध्यान देनी है, वो सारा इस वीडियो में अपन समझेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल आराम से लास्ट तक देखिए, अपने जो नोट्स हैं वो भी आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट में हमें बता देना, हम उनका राइट सॉल्यूशन क्या है ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक हाई स्टैंडर्ड टॉपिक में काउंट होता है, कि छोटी से छोटी एग्ज़ाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, जो अभी अपन डायग्राम देख रहे हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, और बाहर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और नीचे बनाई हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। हालांकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग करके क्रिस्टे बनाती है, तो हम क्रिस्टे की बात नहीं कर रहे, हम केवल एक छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जैसे NADH के हैं, और NADH के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे जैसे आप नोमेनक्लेचर वाइज बात करेंगे तो चार कॉम्प्लेक्सेज हैं, C1 का मतलब कॉम्प्लेक्स 1, C2 का मतलब कॉम्प्लेक्स 2, C3 का मतलब कॉम्प्लेक्स 3, C4 का मतलब कॉम्प्लेक्स 4। तो इलेक्ट्रॉन को NADH से लेके या FADS2 से लेके ऑक्सीजन तक पहुंचाने का जो काम है वो चार कॉम्प्लेक्स करते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो है वो बिल्कुल से अलग चीज़ है, हालांकि डायग्राम में ये बुक्स में साथ मिल जाएगा आपको, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 एक डिफरेंट मशीन है, और ये क्या करती है, ये एक प्रकार से मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ ऐसा इंटीग्रल प्रोटीन है जो हमारे प्रोटॉन को वापस जाने देता है और उससे फिर ATP बनते हैं। तो ये ATPase है। तो मेम्ब्रेन में हमें चार कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं, 1 से लेके 4 तक वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को NADH, FADS2 इनसे ऑक्सीजन तक भेजेंगे, और बाद में एक अलग पार्ट और है वो कॉम्प्लेक्स 5 है, वो ATP बना के देने वाली एक
मशीन का नाम है जिसको अपन बाद में डिटेल से समझेंगे, राइट। ये तो इसका बेसिक हो गया कि हम बेसिकली इसको ऐसे समझेंगे। देखिए जो NADH2 है, और ये NADH2 भी कौन से, जब आप इनर मेम्ब्रेन से अंदर आएंगे तो अपन को मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे। तो मैट्रिक्स की साइड में जो NADH होते हैं, यानी कि वो कहाँ के हैं, गेटवे के हैं या TCA के, तो वो NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं कॉम्प्लेक्स वन को। दिस इज कॉम्प्लेक्स वन, और जब NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो NAD+ के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वापस से रीयूज हो जाएगा, क्योंकि गेटवे में एंजाइम को NAD+ ही, TCA वाले डिहाइड्रोजनेज हैं उनको भी चाहिए, तो रीयूज होता रहता है। एक चीज़ आप ये भी ध्यान देंगे कि मैट्रिक्स का मटेरियल कभी भी बाहर नहीं जाता है, बाहर का मटेरियल कभी भी अंदर नहीं आता है, यानी कि NADH2 FADH2 मैट्रिक्स वाले मैट्रिक्स में ही रहेंगे, वहीं उनको रिड्यूस होना है, वहीं उनको ऑक्सीडाइज होना है, वहीं उनको रीयूज होना है। अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि जब हम NADH से NAD+ बनाते हैं तो इसमें से H+ भी निकल जाएंगे और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि एक NADH2 दो इलेक्ट्रॉन देता है, सिंपली एक FADH2 है वो भी दो ही इलेक्ट्रॉन देता है। मीन्स एक NADH2 को अगर हम ATS में इस्तेमाल करेंगे तो हमें दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन लेगा। कॉम्प्लेक्स वन उन दो इलेक्ट्रॉन को भेज देता है क्यूनॉन के पास। अब देखो जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी ब्लास्टोक्यूनॉन क्यूनॉन आया था, वो जेड स्कीम का मैटर आया था, वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो क्यूनॉन है वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, बाकी प्रोटीन मेम्ब्रेन में धंसी हुई है, उनका कुछ हिस्सा बाहर है, लेकिन ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली मूव कर सकती है। तो क्यूनॉन ये इलेक्ट्रॉन लेगा और बाद में इनको भेज देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। डायग्राम के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा हुआ, आप दो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये तो बात हुई कि मैट्रिक्स की साइड में जो NADH2 है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन को देते हैं, कॉम्प्लेक्स वन उनको क्यूनॉन को देता है, और क्यूनॉन से बाद में वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड को, राइट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से वो जाएंगे साइटोक्रोम सी को, साइटोक्रोम सी से जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फोर को, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर इलेक्ट्रॉन को दे देता है ऑक्सीजन को, और फिर बन जाएगा वाटर। फोटोसिंथेसिस में उल्टा हुआ था, फोटोसिंथेसिस में हम वाटर को तोड़ते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन फिर हम जेड स्कीम से भेजते हैं NADH बनाते हैं। यहाँ रिवर्स हो गए, यहाँ NADH के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीजन को मिलते हैं और पानी बनता है। ठीक है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, या कॉम्प्लेक्स वन जब इनको आगे भेजता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड इनको आगे भेजता है, फोर्थ इनको आगे भेजता है, तो ये जो हमने कॉम्प्लेक्स बोला है ये एक्चुअल में बहुत सारी प्रोटीन के गुच्छे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स वन में कई प्रोटीन हैं, कॉम्प्लेक्स टू में हैं, तो ये छोटे छोटे गुच्छे हैं जिनमें और भी प्रोटीन शामिल हैं, काफ़ी बड़े गुच्छे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक साइड से ये लेते हैं, एक साइड से देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब एनर्जी होता है, और एनर्जी मिलते ही जो फ्री एनर्जी स्टेट होती है उसमें परिवर्तन आएगा, कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, और कन्फर्मेशनल चेंज होने पे कॉम्प्लेक्स वन H+ को पंप कर देता है, यानी कि मैट्रिक्स की साइड से H+ को उठाएगा और उसको कहाँ फेंक देगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहाँ पे इनको फेंक दिया जाता है। देन अपन को ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स वन जब काम करता है तो ये चार H+ को पंपिंग करता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स वन पर दो इलेक्ट्रॉन चार H+ को पंप आउट करता है, ओके ठीक है। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है, ये ऐसा कोई पंपिंग नहीं करता है,
सिंपली अगर हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास, तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड भी एच प्लस की पंपिंग करता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड जो एच प्लस की पंपिंग करता है ये भी चार एच प्लस होते हैं। तो पर टू इलेक्ट्रॉन ये चार एच प्लस को क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के साइड से उठा के दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो खाली स्पेस है, जिसको कि अपन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं, उसमें फेंकते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर फोर है, वो भी एच प्लस की पंपिंग करता है, लेकिन वो केवल दो एच प्लस की पंपिंग करता है। तो आप सिंपली ऐसे तैयार कर लीजिए कि जब NADH के दो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन थर्ड एंड फोर्थ से होके ऑक्सीजन के पास आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वन चार इलेक्ट्रॉन को, चार एच प्लस को पंप कर देता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड भी करता है चार को, और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर है वो दो एच प्लस को पंप करता है। तो टोटल जब हमने दो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कराए तो 10 एच प्लस हैं वो पंप आउट होते हैं। तो पर टू इलेक्ट्रॉन, और वो भी कहाँ से, जब हम कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स फोर तक सारा ETS काम में लेते हैं, क्योंकि सेकंड तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये हो गया कि मैट्रिक्स की साइड का जो NADH है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन ETS को देता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन क्यूनॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स फोर से होके ऑक्सीजन को जाएंगे, मीन वाइल 10 एच प्लस है वो पंप आउट हो जाएंगे। ये तो हमारा पहला वर्क हुआ। फिर हम सेकंड चीज पे आते हैं कि FADH2 जो है ये भी मैट्रिक्स में ही बना है, और मैट्रिक्स में जो FADH2 बना है वो एक्चुअल में जो एंजाइम था हमारा सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज उसने बनाया, जो कि अपने आप में बहुत स्पेशल एंजाइम होता है, क्योंकि सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी जुड़ा हुआ होता है, और ये TCA का वो एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेकंड तो ETS है, उसका पार्ट है, बट उसके साथ में ही कौन जुड़ा हुआ है, SDH जुड़ा हुआ है। कि सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज होना चाहिए था, यहाँ मैट्रिक्स में होना चाहिए था इस एंजाइम को, लेकिन मैट्रिक्स में फ्रीली नहीं पड़ा हुआ, वो कहाँ है, वो कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ अटैच है। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड मेम्ब्रेन का हिस्सा है, तो अगर कॉम्प्लेक्स सेकंड से जुड़ गया तो मेम्ब्रेन का हिस्सा बना हुआ है। तो FADH2 के भी इलेक्ट्रॉन सिमिलरली ऐसे ही, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सेकंड को जाएंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वन पीछे रह गया, वो बाईपास हो गया। अगर मैट्रिक्स का NADH इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉम्प्लेक्स वन को देगा, अगर मैट्रिक्स का FADH2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर टू को देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर टू से वो जाएंगे क्यूनॉन को, क्यूनॉन से कॉम्प्लेक्स थर्ड को, फिर साइटोक्रोम सी को, फिर फोर को, और फाइनली ऑक्सीजन को। तो दो लाइन है, एक कॉम्प्लेक्स वन से होके फोर तक जाएगी और एक सेकंड से होके फोर तक जाएगी। फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन देते हैं मैट्रिक्स वाले NADH, और सेकंड को इलेक्ट्रॉन देते हैं मैट्रिक्स वाले FADH2। तो जब अपन मैट्रिक्स के FADH2 के इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रैवल कराएंगे तो कॉम्प्लेक्स वन के जो चार एच प्लस पंप होने थे वो हमारे माइनस हो जाएंगे। तो अगर हम FADH2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो पर टू इलेक्ट्रॉन केवल 6 एच प्लस के होंगे, पंप आउट होंगे। तो इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि मैट्रिक्स में बना हुआ NADH 10 एच प्लस को फिकवा सकता है, और मैट्रिक्स में बना हुआ FADH2 केवल 6 ही एच प्लस को फिकवा पाते पर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बार में वो दो ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। ओके, तो ये तो हमारा मैटर हो गया कि पर्टिकुलर बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर NADH बने थे, FADH2 बने थे, लेकिन एक चीज़ जिसमें अभी रह गई वो था कि ग्लाइकोलाइसिस जब हुई थी तो वहाँ भी NADH बने थे, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर है,
और साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर है, क्योंकि तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया का सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन। तो साइटोप्लाज्म में भी एनएडीएच बने हुए हैं, उनके भी इलेक्ट्रॉन ईटीएस को ही जाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली क्यूनॉन को आते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्टली क्यूनॉन को आएंगे और वहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि क्यूनॉन है वो कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ में फ्रीली मूव करता है मेमोरी में, तो अटैच रहता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को आएंगे। तो उनसे भी केवल 6 ही एच प्लस पंप होंगे। तो हमारे पास तीन मॉलिक्यूल आ गए, साइटोप्लाज्म वाला एनएडीएच कॉम्प्लेक्स सेकंड से स्टार्ट करेगा, मैट्रिक्स वाला एफएडीएच2 कॉम्प्लेक्स सेकंड से स्टार्ट करेगा, मैट्रिक्स वाले एनएडीएच कॉम्प्लेक्स फेस से स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स फेस से जो स्टार्ट है वो 10 एच प्लस पंप आउट करा देंगे, क्योंकि तीनों पंपिंग काउंट करनी पड़ेंगी, और कॉम्प्लेक्स सेकंड से जो होगा उसमें केवल 6 एच प्लस ही पंप आउट अपन करा पाएंगे। तो ये तो मैटर हुआ कि एग्जैक्टली जब हमने ब्रेकडाउन किया कार्बोहाइड्रेट का, तो हमारे पास NADH2, FADH2 ये सब बने हुए हैं, साइटोप्लाज्म में NADH बना हुआ है, मैट्रिक्स में बना हुआ है FADH2 बना हुआ है, उनमें एनर्जी है, उनके इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से ट्रैवल करते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है, फाइनली सबको ऑक्सीजन के पास जाना है। फाइनल जो डेस्टिनेशन है सबका वो क्या है, ऑक्सीजन। कॉम्प्लेक्स नंबर 4th का लास्ट टर्मिनल जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, उसको अपन हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और फाइनली पानी बनता है। मीनवाइल एच प्लस की पंपिंग हो जाती है। देखो जब हम ईटीएस को यहाँ पे डिस्कस किया तो दो तीन बातें, इसका पूरा जो सार है वो वही है कि जब आप ईटीएस को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जो भी मॉलिक्यूल जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जैसे एनएडीएच एनएडी प्लस में कन्वर्ट हो गया, FADH2 है वो FAD में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे उनके इलेक्ट्रॉन निकल गए वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दोबारा काम में आने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। पहली बात, अगर इनके इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे तो ये रिड्यूस फॉर्म में ही पड़े रहेंगे, है ना। दूसरा अपन को लेना है कि पंपिंग होती है, एच प्लस पंप आउट हो जाते हैं, और एच प्लस को अगर आप पंप आउट कराएंगे तो मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में एच प्लस है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, और अंदर की साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है एच प्लस की वो है लो। तो मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर लो पीएच जो है वो लो पीएच होगी, एसिडिक पीएच है, और यहाँ पे पीएच है वो हाई होगी। तो किसी भी मेम्ब्रेन के दोनों साइड के ऊपर अगर किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन का अंतर होता है तो उसको अपन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब पंपिंग होती है तो उससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मींस अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा है, सिंपल भाषा में समझ रहे हैं अपन कि अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा है यानी कि वो रेस्पिरेशन कर रहा है या वो ऑक्सीजन को काम में ले रहा है तो मैट्रिक्स का पीएच है वो हाई मिलेगा उसका, और मेम्ब्रेन के बाहर दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह के अंदर अपन को पीएच है वो लो मिलेगा। तो जिसमें वर्क चल रहा है उसके मेम्ब्रेन के दोनों साइड में मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर पीएच का डिफरेंस है, उसको अपन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे मॉलिक्यूल रीऑक्सीडाइज हो जाते हैं और पोटेंशियल जनरेट होता है। अभी एटीपी नहीं बने हैं, अभी पोटेंशियल बना है। अगला काम पोटेंशियल से एटीपी बनाने का आता है। तो पोटेंशियल से एटीपी बनाने का सारा काम कॉम्प्लेक्स नंबर 5th का है, जो एच प्लस को वापस अंदर जाने देता है। अभी हमने कॉम्प्लेक्सेस चलाए तो उसने एच प्लस को फेंका है, जबकि अब पोटेंशियल से एटीपी बनते हैं तो एच प्लस वापस अंदर जाते हैं और फिर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी बनाए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 बिल्कुल से डिफरेंट मॉलिक्यूल है, मेम्ब्रेन में लगा हुआ प्रोटीन है,
जो हमें एटीपी बना के देता है। तो ये तो बात भी कि मेम्ब्रेन के अंदर जब हम ETS पढ़ेंगे तो चार डिफरेंट प्रोटीन के गुच्छे हैं जो ये सारा काम करते हैं। आई होप बेसिकली इसका जो बेसिक मैकेनिज्म का आउटलाइन है वो अब तक के डिस्कशन से आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हालांकि डायग्राम में तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कि ग्लूकोज है, पाइरुवेट बनता है, उसको आप एसिटिल से जोड़ सकते हैं। फैटी एसिड जब टूटते हैं तो उनसे भी बीटा ऑक्सीडेशन होगा, तो एसिटिल कोएंजाइम ए ही आता है। एसिटिल कोएंजाइम से आपको FADH2, NADH2 ये मिलते हैं, तो वो हमारे काम आते रहते हैं। तो मैट्रिक्स की साइड में जो भी है अपन कॉम्प्लेक्स वन से लेंगे, NADH2 है तो कॉम्प्लेक्स वन से, FADH2 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड से। देखो इस सारे डिस्कशन को बिल्कुल से हम समराइज कर लेते हैं कि जैसे मेम्ब्रेन दिखाएं अपन, तो इस मेम्ब्रेन में चार कॉम्प्लेक्स हैं, 1, 2, 3, 4। ये पंपिंग करते हैं 4S+, 4S+ और 2S+। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड पंपिंग नहीं हुआ था। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे NADH के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, फाइनली ऑक्सीजन के पास, या FADH2 के जा सकते हैं। या फिर हमने बात की कि साइटोसोल की साइड में जो NADH हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस वाले हैं, उनके जा सकते हैं। जब भी हम इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो सभी दो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो अंदर की साइड में सारा क्या है, मैट्रिक्स है। बाहर की साइड में क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। आउटसाइड मान सकते हैं क्योंकि बाहर की मेम्ब्रेन में तो पोर्स होते हैं। तो अगर आप साइटोप्लाज्म वाला NADH लेते हैं तो इसकी पंपिंग है ओनली 6S+, और FADH2 का भी कितना है, 6S+, और NADH जो है इसका कितना है, 10S+। यानी कि केवल एक साइट मैट्रिक्स वाला NADH है वो सबसे ज़्यादा S+ पंपिंग करवाता है, तो उससे ज़्यादा एनर्जी बनेगी। और बाकी साइटोप्लाज्म वाला NADH है, मैट्रिक्स वाला FADH2 है, ये केवल 6 6 S+ पर 2 इलेक्ट्रॉन पंप करवा पाते हैं। तो जब हम ये सारा मैसेज देखते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बाहर या तो 10 S+ पंप आउट हुए हैं, या कॉम्प्लेक्स सेकंड काम में लिया तो 6 S+ पंप आउट हुए हैं पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ S+ की कॉन्सेंट्रेशन हाई है और मेम्ब्रेन के अंदर से इनको पंप किया गया, तो यहाँ पे अंदर की साइड में S+ की कॉन्सेंट्रेशन उसी प्रकार से क्या होगी, लो होगी। तो अब हमारे S+ अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इसको अपन सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन डिफ्यूजन तो तब होता है जब बीच में कोई रुकावट ना हो, लेकिन यहाँ तो मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन क्योंकि H+ एक आयन है तो इस आयन को मेम्ब्रेन जाने नहीं देती है। तो पंपिंग जब हम कराते हैं या जब हम ETS चलाते हैं तो ETS के कॉम्प्लेक्सेस चलते हैं तो उससे ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। और H+ है वो यहाँ से अंदर जाना चाहते हैं, उनके अंदर अंदर जाने की टेंडेंसी है, उसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो वो भी एक प्रकार का एनर्जी है कि वो भागना चाहते हैं, उसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको हमें ATP में स्टोर करना है। तो उसके लिए कुछ मशीनें हैं जो मेम्ब्रेन में लगी हैं, जिसको अपन F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। तो H+ है वो इनमें से जाते हैं और फिर ये मशीनें हमें ATP बना के दे देती हैं, ADP और PI को जोड़ के। तो सारा का सारा जो मैकेनिज्म है वो इस प्रकार से
रन हो रहा है, पहले अपन कॉम्प्लेक्सेस को डिटेल में समझेंगे। देखिए अभी हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर चार एस प्लस को पंप करता है, फोर एस प्लस पंप आउट। अगर इससे जुड़े हुए कुछ फीचर्स आप तैयार करें तो उसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। वन थिंग, NADH यूबिक्यूनॉन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी इसी का नाम है, और इट इज द फर्स्ट लार्ज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है। और ये इलेक्ट्रॉन NADH से कोएंजाइम को भेजता है, तो कॉम्प्लेक्स वन इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ भेजता है वो चीज़ आप तैयार कर सकते हैं। और प्रोटॉन्स को पंप आउट करेगा ना, एच प्लस को पंप आउट करेगा। देखा जाए तो इसके अंदर टोटल 44 प्रोटीन्स होती हैं, और पर्टिकुलर जो इसकी फंक्शन के लिए जरूरी कंपोनेंट्स हैं उसमें एक तो FMN फ्लेविन प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में उसका हिस्सा होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप उस प्रोटीन को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं जो किसी एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से बंधा रहता है, टाइटली जुड़ा हुआ, और इसमें आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं। तो ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वन जो कि NADH से इलेक्ट्रॉन को एंजाइम या क्यूनॉन को भेजता है उसमें एक तो FMN और एक फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स जो है वो इसके हिस्से होते हैं। और काम ये माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहा है, तो 44 में से सात जो इसकी इकाइयां हैं उनके जीन माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में होते हैं, यानी कि बाकी जो पेप्टाइड्स हैं वो न्यूक्लियर जीन से बनेंगी और केवल सात प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन से बनती है। तो एक तो FMN है इसके अंदर, एक फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन ये NADH से क्यूनॉन को भेजता है, और पर टू इलेक्ट्रॉन 4H+ है वो पंप आउट होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन जो NADH है ये कहाँ का है, मैट्रिक्स की साइड का है। तो ये दो तीन बातें आपको यहाँ से ध्यान देनी है। देखो कॉम्प्लेक्स वन के बाद में हमें नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड को डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स सेकंड का जो अपन डायग्राम देख रहे हैं उसमें जैसे बात करें तो जो यहाँ पे लिखा है SDH सक्सीनेट डी हाइड्रोजनेज, क्योंकि हमने बात किया था कि ये TCA का एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। खास बात ये है कि डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सेकंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ FADH2 बनता है और उस FADH2 के अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर टू को ही देने होते हैं, तो जहाँ रिएक्शन हो रही है वो भी यहीं पे है, जो बनता है वो भी यहीं पे है, जिसको देने हैं वो भी यहीं पे है। तो बिल्कुल से एक टाइट जंक्शन होता है कि सक्सीनेट डी हाइड्रोजनेज उसके कंपोनेंट्स हैं HA HB, वो FAD को एज ए कोफैक्टर इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारा एंजाइम सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है तो FAD FADH2 में रिड्यूस हो जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्सेस को, तो यहाँ पे तीन कॉम्प्लेक्स हैं, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि कुछ क्लस्टर हैं, गुच्छे हैं जिनमें फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। उनसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्यूनॉन को, और क्यूनॉन से क्यूनॉन H2 बनेगा जो आगे क्यूनॉन साइकिल के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप सक्सीनेट कोएंजाइम रिडक्टेज भी बोल सकते हो SQR। और बड़ी बात ये है कि इट इज़ द ओनली एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन बोथ TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन।
क्योंकि वहाँ ये SDH एंजाइम है और यहाँ ये FADH2 से अपने इलेक्ट्रॉन सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड को देता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट की स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है, कहाँ जाते हैं, सेकंड है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है। फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स वहाँ भी थे, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स यहाँ भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट भी अपने इलेक्ट्रॉन क्यूनॉन को देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड भी अपने इलेक्ट्रॉन है वो क्यूनॉन को देता है। ये डायरेक्टली जो FADH2 बना के देने वाला एंजाइम है जो कि TCA का एंजाइम है उसे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही आता था कि TCA का कौन सा एंजाइम कनेक्टेड है, तो SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड को हम को एंजाइम क्यू और साइटोक्राम सी रिडक्टेज भी बोल सकते हैं और इसको हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड एक्चुअल में क्या काम करता है, क्योंकि इससे पहले क्यूनॉन है तो ये क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन लेता है और क्यूनॉन से जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं वो इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स को और जो साइटोक्रोम है साइटोक्रोम बी भी काम में आ रहा है, साइटोक्रोम C1 भी काम में आ रहा है, उनको ये ट्रांसफ़र करता है और H+ पंप आउट करता है, 4H+ पंप आउट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड से इलेक्ट्रॉन क्यूनॉन के पास गए हैं और कॉम्प्लेक्स थर्ड है वो क्यूनॉन से लेता है और इनको प्रोसीड करेगा और जो साइटोक्रोम है वो अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ भी मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, सेकंड के जस्ट बाद में है, ये क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन लेता है। फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्सेज हैं, C1 है साइटोक्रोम, BL है, BH है, ये साइटोक्रोम्स हैं, इनसे होकर के इलेक्ट्रॉन्स वो फाइनली कहाँ जाते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स थर्ड से कि इसने साइटोक्रोम सी को रिड्यूस किया है, रिडक्शन ऑफ साइटोक्रोम सी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम क्यू, कि कोएंजाइम के इलेक्ट्रॉन होते हैं साइटोक्रोम के पास जाते हैं तो साइटोक्रोम रिड्यूस हो जाएगा। पूरी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को आप इस प्रकार से समराइज कर सकते हैं और क्योंकि इसमें क्यूनॉन्स हैं वो पहले रिड्यूस होते हैं फिर रीऑक्सीडाइज होते हैं तो उसको अपन क्यूनॉन साइकिल से भी जोड़ सकते हैं, तो क्यूनॉन साइकिल से भी इस कॉम्प्लेक्स का कनेक्शन है। अगला जो बचा हुआ पार्ट है इसका वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर फोर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर फोर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसने साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन लिए, उसमें कॉपर प्रोटीन है, फिर साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम बी है, सॉरी ए थ्री है, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए थ्री, ये इसके टर्मिनल पार्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लास्टली वेरी लास्टली इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, साइटोक्रोम ए थ्री के पास जाता है। तो कॉम्प्लेक्स वन से आ रहे हों, सेकंड से आ रहे हों, फाइनली कॉम्प्लेक्स फोर को पहुंचेंगे। कॉम्प्लेक्स फोर के अंदर पहले ए है फिर ए थ्री है, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, इसको अपन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोल सकते हैं। शॉर्ट में इनको अपन कॉक्स बोल देते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को कॉक्स। तो लास्टली इसका कंपोनेंट है ए थ्री, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और ऑक्सीजन इसको काम में लेके वाटर में कन्वर्ट होगा। तो जब हम ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल काम में लेते हैं तो हमें चार इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें पीछे से सारा डबल करना पड़ेगा। तो फोर इलेक्ट्रॉन अगर चल करके आ रहे हैं तो हम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को दो वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। यहाँ भी पंपिंग है, ये भी 4H+ को
पंप आउट करता है। अब देखो इसने जो पंप आउट किया है ये प्रोसेस ऑक्सीजन के वाटर बनने से जुड़ी हुई है, थोड़ा सा समझना आप इसको। इस पंपिंग का कनेक्शन यहाँ से है और ये प्रोसेस हमने डबल कर दी है क्योंकि हमने चार इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए, तो चार इलेक्ट्रॉन से चार एच प्लस पंप हो रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन से दो ही एच प्लस पंप होंगे। तो कॉम्प्लेक्स वन चार एच प्लस पंपिंग करता है पर टू इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स सेकंड कुछ नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है वो चार करता है, कॉम्प्लेक्स फोर है वो टू इलेक्ट्रॉन पे टू एच प्लस पंप करता है। फाइनली इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का आखिरी किनारा ए थ्री उसके पास जाते हैं और ए थ्री वो साइटोक्रोम है जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डिलीवर करता है और इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन को मिलेंगे तो वाटर फॉर्म होता है और मीन वाइल एच प्लस हैं वो पंप आउट हो गए हैं और काफ़ी सारा एसिडिक एनवायरनमेंट है वो इनर मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में क्रिएट हो चुका होता है। तो ऐसे हमारे सारे कॉम्प्लेक्सेज हैं ये काम करते हैं और इनके सारे फंक्शन से मैट्रिक्स के अंदर बात करें तो एच प्लस कम हो जाएंगे और बाहर की साइड में बात करेंगे तो एच प्लस है वो खूब सारे हो जाते हैं, यानी कि जब हमने कॉम्प्लेक्सेज रन कराए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स फोर, तो इन्होंने एच प्लस को पंप किया है, फोर एच प्लस फोर एच प्लस और टू एच प्लस। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का बाहर का हिस्सा है, यहाँ पे एच प्लस बहुत सारे हैं और अंदर एच प्लस कम हो गए, तो ग्रेडियंट बना है, उस ग्रेडियंट को यूज करने का काम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइव करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइव है जिसको कि अपन एटीपेज बोलते हैं ना, एफ जीरो एफ वन एटीपेज भी इसी का नाम है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन को ऐसे हम क्रिस्टी बना के दिखाते हैं और अगर हम एक क्रिस्टी को जूम करके देखते हैं तो क्रिस्टी के ऊपर ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो लगे रहते हैं, इनको अपन ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। वैसे ये एफ जीरो एफ वन पार्टिकल्स है, एफ जीरो एफ वन पार्टिकल और एटीपी बना के देता है तो इसलिए इनको अपन एफ जीरो एफ वन एटीपेज भी बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन से बाहर जो एच प्लस फेंके गए थे वो अब एक्चुअल में मेम्ब्रेन के वापस अंदर आएंगे, लेकिन वो अंदर अपने आप नहीं आ सकते, एक पूरा कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स उनको अंदर आने देता है जिसको अपन एफ जीरो एफ वन कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो जो पार्टिकल दिखाया गया वो रिवर्स ओरिएंटेशन हो गया क्योंकि इनसाइड यहाँ पे है आउटसाइड बाहर इधर आ गए, तो आप उसको उल्टा करके समझेंगे, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे लगा है। तो जो मेम्ब्रेन में धंसता है उसको तो अपन बोलते हैं एफ जीरो और जो बाहर है उसको अपन बोलते हैं एफ वन, तो ये एफ जीरो है और ये एफ वन है। फिर इसमें कंपोनेंट्स हैं, एफ जीरो जो है उसके अंदर एक रिंग है, ये इनकी सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स एक रिंग के फॉर्म में अरेंज रहती हैं। एफ वन जो है उसके अंदर भी सब यूनिट्स हैं, जैसे उसमें अल्फा की सब यूनिट है, तीन अल्फा की हैं, उसमें तीन बीटा की सब यूनिट हैं और एक उसमें गामा का साफ्ट है, तो जो गामा है वो तो है साफ्ट। जैसे छोटे बच्चों के खेलने के खिलौने आते हैं ना कि उसमें बीच में कुछ लगा हो चारों तरफ कुछ घूमता हो, वैसा मशीन होता है, तो सेंट्रल जो साफ्ट है वो गामा है और इसके बाहर तीन अल्फा और तीन बीटा सब यूनिट्स हैं और एक इसमें बी टू प्रोटीन होती है जो भी अटैच होती है और उसके साथ में डेल्टा पार्ट है वो जुड़ा हुआ होता है।
तो ये मशीन के पूरे हिस्से हैं। और जब हम एच प्लस की बात करते हैं तो एच प्लस हैं वो बाहर जाता है तो उनको अंदर आना होता है, लेकिन वो किधर से आते हैं वो भी आप ध्यान दें कि F0 के अंदर एक टनल होती है जो उस टनल से आते हैं, यानी कि इस F0 के अंदर एंटर करेंगे, जैसे ये एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के बाद इसमें घूमेंगे और घूम करके फिर निकलेंगे, और जब इसमें से घूम के निकलेंगे तो बीच में शाफ्ट है गामा, तो गामा रोटेट हो जाती है ना। जब इसके अंदर से कुछ, जैसे मान लो कि आपके पास कोई जैसे पंखा हो, आप उसमें हवा दें तो वो घूमता है ना, वैसे इसमें से एच प्लस जाएंगे तो सेंट्रल एक्सिस घूमेगी और उससे क्या होगा कि रोटेशन क्रिएट होगा, और उस रोटेशन की वजह से पर्टिकुलर जो अल्फा बीटा सब यूनिट्स हैं उनके ओरिएंटेशन चेंज होते हैं और वो फिर ADP एंड PI को ATP में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ATPase मशीन कैसे काम करती है और इससे कितने ATP बन पाते हैं, कितने एच प्लस की मूवमेंट से, और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पीटर मिचेल का वर्क क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे इस्तेमाल होता है, PMF क्या है, वो सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट होंगी। तो अभी जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे इसको सिंपली लेने की कोशिश कीजिए कि जब हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो उससे क्या हुआ है कि NAD+ और FAD रीजनरेट हो गए, यानी कि वो अपनी रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो, जैसे NADH था तो उससे NAD+ बन गया, FADH2 था तो उससे FAD बन गया। तो एक तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम को जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो बन गई, पहली बात। दूसरी बात, एच प्लस पंप आउट हुए हैं, अभी ATP नहीं होना है, नो ATP फॉर्मेशन। तो ATP फॉर्मेशन है वो एक डिफरेंट पार्ट है ना, जैसे कि दो चीज़ें होगी, ये है सारा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ही, तो एक तो ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन को NADH से, है ना, NADH FADH तो दोनों एक ही बात है, उससे कहाँ देता है, ऑक्सीजन के पास देता है, और एक दूसरा है कि ATP और PI से ATP बनाता है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक ETS है और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए मैन अपन ऑक्सीसोम्स को काम में लेते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको दिखाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया को यूज़ किया और फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुँच गए और वाटर बन गया, एच प्लस पंप आउट हो गए। एच प्लस के पंप आउट होने को ही हम ग्रेडियंट बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो ये पोटेंशियल तो हम एक इंजेक्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की साइड में एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो वो स्थिति तो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट को यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि वो भी पंपिंग करके बाहर एच प्लस ज़्यादा बढ़ाता है। आप इंजेक्शन से माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में अगर एच प्लस बढ़ा देंगे, जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया है और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस दे दिया अपन ने, तो हुआ क्या था कि यहाँ इस येलो वाले स्पेस में एच प्लस आए थे, तो यहाँ हम एच प्लस को बाहर से भी तो डाल सकते हैं और इसमें तो इंजेक्शन लगाने पर दिक्कत भी नहीं है क्योंकि बाहर के मेम्ब्रेन में तो छेद भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एच प्लस बाहर आ गए, ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, TCA हो गया, ये सब एक पार्ट है। अब उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये दूसरा पार्ट है, यानी कि ATP बनेगा, ये अलग चीज़ है।
वो काम अलग मशीन करती है, F0 F1 करता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जब एस+ पंप आउट हो जाते हैं या हम कहें कि ऑक्सीजन काम में आ जाती है तो ATP बनेंगे ही बनेंगे। इसको बोलते हैं अपन कपलिंग, क्योंकि बाद में अपन कुछ अनकपलर प्रोटीन पढ़ेंगे जो इनको, यहाँ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को काट देते हैं, इनके एस+ को पंप आउट हो जाए लेकिन ATP ना बने तो कपलिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा, उस वीडियो में हम H+ जो हैं बाहर बहुत सारे, वापिस अंदर प्रॉपरली कैसे आते हैं, चैनल क्या है, किस प्रकार के कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं F0 F1 के अंदर, उनके टेक्निकल नाम क्या हैं, ADP PI ATP, उनके साथ में उनकी बाइंडिंग किसकी कम किसकी ज़्यादा होती है, सीक्वेंस क्या होती है, कितने H+ से कितने ATP बनते हैं और कहाँ से आ रहे इलेक्ट्रॉन, कितने ATP बनाते हैं, वो सारा जो है, और फिर साथ में कपलिंग अनकपलर, ये हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास में भी इसी प्रकार से अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप रिपीटेडली इन क्लास को यूज़ कीजिए, नेक्स्ट क्लास पे आपको हाथों हाथ मिल जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी रखिए और मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल ईजी वे में डेवलप हो, और एक एग्जैक्ट जो फिगर होता है किसी टॉपिक को लेकर के वो आपके माइंड में क्लियर रहे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। आपको भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट के अंदर हमें बताना, हम उनके और भी बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।